नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। दोस्तों, आज केएल राहुल ने बीच मैदान में ही एक ऐसी चाल चल दी जिसकी वजह से केएल राहुल को एक बहुत बड़ा विकेट मिला, और ये विकेट किसी और का नहीं बल्कि सूर्य कुमार यादव का था। जी हां, किस तरह से केएल राहुल ने बेहद ही शातिर तरीके से आज गेंदबाजी करवाई है और कैसे केएल राहुल ने वो कारनामा करा के दिखा दिया जिसके बारे में सुनने के बाद हर कोई हैरान है, जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जी हां, आपको बता दें, आज लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस के बीच में बेहद ही रोमांचक मुकाबला खेला गया, लेकिन आयुष बदोनी ने आज गेंदबाजी कराई। और ताजुक की बात यह है कि आईपीएल में आज लखनऊ की टीम आठवां मुकाबला खेल रही थी और आज पहली बार आयुष बदोनी ने गेंदबाजी कराई, और यह पैतरा इतना सही साबित हुआ कि इसे देखने के बाद हर कोई हैरान रह गया। किसी को विश्वास ही नहीं हुआ कि केएल राहुल इतना दिमाग से खेल जाएंगे। और बेहद ही हैरान कर देने वाली बात यह है कि किसी ऐसे वैसे खिलाड़ी का विकेट नहीं मिला बल्कि सूर्य कुमार यादव आयुष बदोनी के शिकार हुए हैं। किस तरह से केएल राहुल ने बहुत ही अच्छा माइंड चलाया और उसके बाद सूर्य कुमार यादव केएल राहुल के जाल में फंस गए, जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, आज का मुकाबला जो रहा वो बहुत ही ज्यादा रोमांचक रहा। इस मुकाबले में देखने को ये मिला कि आज लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने इस मुकाबले को जीत लिया, लेकिन एक टाइम ऐसा भी था जब लग रहा था कि मुंबई इंडियन के बेशक से विकेट गिर गए थे, लेकिन फिर भी सूर्य कुमार यादव जिस तरह की फॉर्म में थे वो अपनी टीम को संभाल सकते थे। हमने देखा तिलक वर्मा और पोलार्ड ने आकर अपनी टीम को लास्ट तक ले जरूर गए, लेकिन वो मुकाबला जिता नहीं सके। लेकिन सोचिए, अगर सूर्य कुमार यादव आउट नहीं हुए होते तो क्या होता। केएल राहुल जानते थे कि सूर्य कुमार यादव बहुत शानदार फॉर्म में है और उनको आउट करना ही होगा। ऐसे में केएल राहुल ने सूर्य कुमार यादव को देखकर आयुष बदोनी को गेंद थमा दी। अब आयुष बदोनी को सूर्य कुमार यादव ने सोचा कि ये बच्चा है और इसकी गेंद पर शॉट लगाकर इसके ऊपर दबाव बनाया जा सकता है, लेकिन आयुष बदोनी सूर्य कुमार यादव पर ही भारी पड़ गए। जी हाँ, आयुष बदोनी ने एक ही ओवर डाला और 6 रन देकर उन्होंने एक विकेट झटक लिया, और ये विकेट किसी ऐसे वैसे खिलाड़ी का नहीं बल्कि सूर्य कुमार यादव का था। बात तब की है जब 12वें ओवर में आयुष बदोनी गेंदबाजी कराने के लिए आए थे। पहली गेंद बेशक से ज़्यादा अच्छी ना रही हो, लेकिन दूसरी ही गेंद पर सूर्य कुमार यादव का विकेट गिर गया। इसे देखने के बाद सूर्य कुमार यादव भी हैरान रह गए और केएल राहुल बहुत ज़्यादा खुश हुए, और केएल राहुल ने खुशी के मारे आयुष बदोनी को गोद में उठा लिया। अब इससे एक बात तो क्लियर है कि आयुष बदोनी वाला जो पैतरा है केएल राहुल का वो काम कर गया और सूर्य कुमार यादव सिर्फ 7 रन बनाकर आउट हो गए। कुल मिलाकर के बता दें कि आज लखनऊ सुपर जायंट्स ने इस मुकाबले को पूरे 36 रनों से जीत लिया है और मुंबई इंडियन को लगातार इस सीजन की 8वीं हार मिली है। तो यही था वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, इसे और लोगों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।